सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हम लोग फिर से बात करने वाले ई स्पोर्ट के टॉपिक के ऊपर, जो कि है हम लोगों का ई स्पोर्ट्स में क्या क्या बेनिफिट्स होता है, जो ऑफिशियल ई स्पोर्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने अगर नहीं देखा कि ई स्पोर्ट्स कैसे ज्वाइन करते हैं वो वाला वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो जाकर ज़रूर से देख लेना कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे कि मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक और बार हमको अच्छी तरह से बुझाओ, मतलब समझाओ। तो मैं कोशिश करूंगा कि और थोड़ा अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया जाए। तो गाइज आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ई स्पोर्ट्स में बेनिफिट्स क्या होते हैं। क्योंकि गाइज अगर आप ई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ई स्पोर्ट प्लेयर भी बनोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना ई स्पोर्ट्स में क्या प्रॉफिट रहता है, क्या लॉस रहता है। अगर प्रॉफिट नहीं जानोगे तो आप लोग क्यों खेलोगे? तुम बोले क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करें? क्योंकि ई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है ई स्पोर्ट्स से, तो ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, एंड तक देखना, आप लोगों को हर एक चीज़ समझा दूंगा मैं अच्छी तरह से। तो गाइस बेसिकली ई स्पोर्ट्स में मैं अगर बात करूँ, अपनी ओपिनियन शेयर करूँ, तो ई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा फेम है, बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब से है। ठीक है, यूट्यूब से आप बहुत अच्छे पॉपुलरिटी कमा सकते हो, लेकिन यूट्यूब से भी ई स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छी पॉपुलरिटी कमा सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि यूट्यूब मतलब कम पॉपुलरिटी रहता है, यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ई स्पोर्ट्स क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पर होता है, तो वो भी आपको बहुत ईजिली, आप एक बार ई स्पोर्ट प्लेयर बन जाएगा तो हर कोई आपको जान जाएगा गाइस। तो गाइस अगर आपको वो फॉलो करे या ना करे, लेकिन वो आपको जानेगा कि नहीं भाई ये तो टीम इलीट है, या फिर टीम को जो भी आपका नाम है, मैंने आपका फेवरेट टीम का नाम बोला टीम इलीट। तो गाइस आपका भी क्या फेवरेट टीम है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अभी बात करते हैं बेनिफिट्स के ऊपर, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो लोग ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स है उन लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो गाइस मेनली अभी देखो ई स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ का ई स्पोर्ट्स, फ्री फायर तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ई स्पोर्ट्स में, सब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन भी हो चुका है फ्री फायर ई स्पोर्ट्स में। तो गाइज अभी फ्री फायर में मेनली जो लोग स्पॉन्सर टीम है, जो लोग स्पॉन्सर टीम है, जैसे कोई कंपनी उसको हायर करती है, वो वाला टीम होता है। तो गाइज उनको मेनली अभी एक बूट कैंप, वो लोग बूट कैंप देते हैं, यानी कि एक बहुत खूबसूरत एक घर देते हैं जहाँ पे आप लोग प्लेयर्स लोग रह सकते हो। उसके बाद वो लोग आपको मोबाइल प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल देंगे आप लोगों को, जैसा आपको मोबाइल चाहिए वो वैसे मोबाइल देंगे, ताकि आपको खेलने में आसानी हो। उसके बाद आपको वो सैलरी देंगे, मंथली सैलरी देंगे। उसके बाद एक एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट खेलोगे तो उस चीज़ के भी एक अलग से पैसा देंगे। तो वैसे लगभग कुल मिला के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। अगर हम बात करें कितने ज़्यादा सैलरी देते हैं, तो अभी देखो गाइज मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मे बी 1 लाख, 1 लाख ही, 1 लाख से ऊपर देंगे, 1 लाख, 2 लाख, या फिर 10 लाख्स, 20 लाख्स, 30 लाख्स, 40 लाख्स, 1 करोड़ भी हो जाते हैं। 1 करोड़ अभी पता नहीं है या नहीं है, लेकिन आई थिंक सो होंगे, जो लोग एकदम हायर लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं उन लोगों को मिला होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, अगर आपको पता है तो आप लोग बोल सकते हो मुझे गाइज। उसके बाद अगर हम बात करें ई और भी क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो गाइज अभी आपको जाने का मौका मिलेगा, कहीं भी टूर्नामेंट खेलोगे तो कहीं पे जाने का मौका मिलेगा, आप लोग वही आप लोग को प्रेफर कर देंगे कि यहाँ पे जाओ, टिकट दे देंगे, या फिर आप बाहर टूर्नामेंट खेलने जाते हो, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वो लोग आपको भेज देंगे, आपको अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड उसके बाद अगर हम बात करिए, तो हमने स्पॉन्सर का बता दिया, लेकिन गाइज अभी फ्री फायर ऑफिशियल का भी एक टीम रहता है। तो फ्री फायर ऑफिशियल से जो टीम होते हैं, जैसे 2019 में कोरिंथियंस जीते थे, या फिर जो भी बड़े बड़े जो टीम होते हैं जो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो उन वो लोग को फ्री फायर अचीव करके रखते हैं, मतलब फ्री फायर उन लोग को स्पॉन्सर करके रखते हैं, वो लोग ऑफिशियल प्लेयर्स माने जाते हैं, एकदम ऑफिशियल प्लेयर्स है, तो उनकी सैलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनकी सैलरी मेनली 30 लाख्स, 40 लाख्स, या फिर 1 करोड़, ऐसे टाइप के होते हैं। गाइज ऑफिशियल प्लेयर अगर आप बनना चाहते हैं, तो मेनली मैंने जैसे कहा था FFI से, या फिर कोई भी जो गडिना से होस्ट किया हुआ टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ से खेल के आप लोग वही ऑफिशियल टूर्नामेंट्स ऑफिशियल प्लेयर आप बन सकते हो। तो वहाँ पे क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है,
तो फिर भी गाइस आप लोग को कोशिश करते रहना, आप लोग को हार नहीं माननी है। तो गाइस यही कुछ बेनिफिट्स थे फ्री फायर के। जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर के कुछ अलग होते हैं एंड जो लोग नॉर्मली जो लोग ऑफिशियल प्लेयर्स होते हैं उनके कुछ अलग होते हैं। स्पॉन्सर्स में भी बहुत अच्छी, अगर बहुत बड़ी कंपनी होते या फिर कोई भी यूट्यूबर स्पॉन्सर करते हैं वो लोग अपने हिसाब से पेमेंट देते हैं, लेकिन गरीना से जो होता है वो फिक्स रहता है, वो मतलब चेंज नहीं होता है, उनका बढ़ेगा बल्कि कमेगा नहीं। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा तो हिंट मिल ही गया होगा फ्री फायर के बेनिफिट्स के ऊपर। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर क्यों करना, अगर आप वो भी अगर फ्री फायर स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं या फिर कुछ मतलब जानकारी रखना चाहिए गाइज, तो शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।